नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लकी यादव के समर्थक के विरुद्ध पोस्टर फाड़ने का आरोप सामने आया है। यह खबर नौपेड़वा जौनपुर के बक्सा पुलिस से उमरछा गांव निवासी सृष्टि सहजन सेवा केंद्र के संचालक के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। केंद्र के संचालक विकास कुमार शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक को ट्वीट कर अज्ञात युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि अज्ञात सपा समर्थक ने उनकी दुकान पर लगा बैनर फाड़कर लकी यादव का पोस्टर लगा दिया है। ट्वीट में यह भी बताया है कि उनके दुकान पर लगे बल्ब और CFL को भी फोड़ा गया है। मामले को संज्ञान में लेकर के यूपी पुलिस 112 मौके पर पहुंची और विकास शुक्ला को थाने ले गई। वहां विकास शुक्ला ने बताया कि रविवार की देर रात लकी यादव के समर्थक प्रचार में आए थे और उनके अभद्रता का जिक्र भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। पुलिस ने तहरीर पर लकी यादव के समर्थकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।